क्या आप भी ढोकला खाना पसंद करते हो बट आप बनाने से डरते हो क्योंकि आपके ढोकले स्पंजी और सॉफ्ट और देखने में अच्छे नहीं लगते हैं और गद्दे लगते हैं? तो आप मेरे तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से ढोकला बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो सबसे पहले ना आपको मिक्सर जार लेना, आपको एक ही बर्तन में सारे काम हो जाएंगे। मिक्सर जार लेना, उसी में आपको बेसन डाल देना है एक बड़ा बाउल, उसके बाद डेढ़ कप मतलब एक बाउल बड़े वाले से डाल देना है सूजी, छोटे वाले बाउल से आपको डाल देना है सूजी। उसके बाद आपको मिर्ची और अदरक डाल देना है, इसी मिक्सर जार में सारे काम होने हैं आपको। उसके बाद चीनी डाल देना है, आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप ज़्यादा डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको हल्दी पाउडर डाल देना है क्योंकि कलर भी तो चाहिए येलो वाला, अगर आप येलो कलर नहीं डालना चाहते तो मत डालिए, ऐसे ही व्हाइट वाला बना लीजिएगा। उसके बाद नींबू का रस डाल देंगे क्योंकि हम जो है कर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, हम डायरेक्ट नींबू से बना रहे हैं, मतलब दही से नहीं बना रहे हैं, नींबू से बना रहे हैं। तो हमें नींबू चाहिए, हम जो है दो नींबू यूज किए थे क्योंकि हमारे नींबू में बहुत रस था। अगर आपके पास मतलब कम हो तो आप चार से पांच डाल दीजिएगा, उस पर गुनगुना पानी डाल दीजिएगा और नमक भी डाले थे सॉरी। उसके बाद मिक्सर जार में दो तीन राउंड चलाए क्योंकि मैं बहुत देर से इधर उधर करने बताने के चक्कर में थोड़ा जम सा गया था, तो मिक्सर जार में ज़्यादा चलाना पड़ा मुझे। उसके बाद आप तो फटाफट बना लेंगे, उसके बाद उसमें डाल देंगे रिफाइंड ऑयल, उसके बाद जो है मिक्स करेंगे। फिर मैंने 15 मिनट के लिए रख दिया था ढक के। उसके बाद दो पैकेट तीनों यूज किया था, फिर मुझे लगा एक पैकेट और यूज कर लेते तो मैंने 3 पैकेट यूज किया था। उसके बाद एक क्लॉक वाइज चलाएंगे, एक ही जगह से आप चलाना चाहते तो एक ही राउंड चलाइए, कहने का मतलब ये है। उसके बाद एक बाउल में मैं कन्वर्ट करके स्टीम होने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद मैं पानी भी बना लेती हूँ मीठे वाला, क्योंकि बहुत अच्छा जूसी वाला फ्लेवर चाहिए मुझे। तो मैं तड़का तैयार कर उसमें राई, कड़ी पत्ता और मिर्ची डाल दिया था। उसके बाद मैं डाल दूंगी पानी, चीनी, नमक और नींबू का रसा। और ये हमारा ढोकला 15 मिनट हो गया है, चेक करके देखते हैं, ये देखिए हो गया है। उसके बाद उस पानी में हम डाल देंगे धनिया पत्ता, उसके बाद इसे निकाल लेंगे साइड से, वो कर लेंगे होल कर लेंगे जिससे अच्छे से निकल जाए। और थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा तभी निकलता है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी करने से टूट जाता है। थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो आराम से निकल जाएगी। ये देखिए कितना अच्छा बना है, एकदम फुला फुला बना है। ये देखिए कटने में ही पता चल रहा है कि कैसा बना है। उसके बाद कटिंग कर लेंगे, जो पानी बनाया था उसे डाल देंगे। और उसके बाद हम मेरी लाइट चली गई थी तो मैं यहाँ गार्डन में ले आई, देखिए कितना